कक्षा 11वीं, कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र, कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र क्लास 11th इकोनॉमिक्स का रिवीजन टेस्ट है ना, ये पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। प्रश्न क्रमांक एक, बहुबल विकल्पी प्रश्नों को हल कीजिए। पहला, देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी है ना, कैसी थी, तो है ना, मैं क्या मतलब क्या था, तो सी आंसर आए खाद्यान्न की कमी है ना। जब देश आजाद हुआ तो उस समय खाने की कमी पड़ गई थी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, जो कभी नष्ट नहीं होती, सूरज से कितनी ऊर्जा जाए कभी नाश नहीं होती, इसलिए इनको गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी, एल वाओले ने दी, इसका आंसर सी आएगा। चौथा, स्वतंत्रता के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किसमें कार्यरत थी, प्राथमिक क्षेत्र खेती बाड़ी में कार्यरत, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थी, खालिस्तान में। भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद की जाती, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद की जाती है। दूसरा, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठाणे के बीच चली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुराष्ट्रीय निगमों या बाजार का विस्तार हो जाता है, इसका दो ऑप्शन लग रहा है मुझे, बहुराष्ट्रीय निगमों या बाजार का विस्तार हो जाता है। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। सत्य असत्य, पहले का असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, इसका फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं का उत्पादन करना और उपभोक्ता तक पहुंचाना है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन करो और उपभोक्ता तक पहुंचाओ और लाभ अर्जित करना होता है। तीसरा, पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को वैश्वीकरण कहते, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चौथा, पवन ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए दोस्तों, मैं कक्षा 11वीं की पूरी कोचिंग इकोनॉमिक्स, कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कक्षा 11वीं की आर्ट्स की पूरी कोचिंग, वो भी फ्री, अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुमको पूरे पेपर सोल्व करके देता हूँ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, है ना।